हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। आज मैं बात करूंगा आडवाणी होटल शेयर के बारे में। ये शेयर आज 20% अपर सर्किट था और अभी मार्केट चालू है तो अभी भी ये मार्केट में ये करीब 12% अभी ऊपर है, बट ये टोटल 20% अपर सर्किट लगाया था आज। और देख सकते हैं कैंडल, इसका तो कैंडल भी काफ़ी अच्छा बनाया है इसने। और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है इसका। आप वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है और कैंडल भी ठीक ठाक बनाया है। अभी मार्केट चालू है लेकिन ये गिर रहा है, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। इसका कुछ न्यूज़ है, न्यूज़ देखेंगे, इसके फाइनेंशियल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, डिटेल देखेंगे और इसका देखेंगे लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू, इसका एनालिसिस करेंगे शेयर का। तो चलिए सबसे पहले प्राइस से चालू करते हैं। देखिए, कल जब ये क्लोज हुआ था तो ये क्लोज हुआ था करीब 83.50 के आसपास। आज जब मार्केट चालू हुआ तो ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो करीब 88.45 पे ये ओपन हुआ और इसने करीब करीब हाई लगाया 100 के आसपास। और ये शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है तो मार्केट चालू है अभी भी, तो लेकिन ये नीचे आ गया वहां से। तो देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, इसके क्या अपॉर्चुनिटी है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो सब डिटेल देखेंगे। तो वो सब जानने से पहले, ये मेरे यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड WIT, यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक वाली वीडियोस है, थोड़े लंबे वीडियोस हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए है। इंडिकेटर स्ट्रैटेजी उनके लिए है, जो लोग शॉर्ट टर्म या इंट्राडे करते हैं उनके लिए है। आईपीओ रिलेटेड इसमें डालता हूँ, ट्रेडर या इन्वेस्टर कौन ज्यादा पैसा कमाता है उस सबसे जनरल वीडियो इसमें है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इसमें है, स्टॉक से रिलेटेड इसमें है, स्टॉक क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है उस टाइप से इसमें है। तो आप चाहें तो ये वीडियोज देख सकते हैं। बीते कुछ दिनों में मैंने कुछ वीडियोज बनाए, आप सबको दिखाना चाहूंगा ये चीज। देखिए, जो डार्क और येलो कलर और रेड कलर में, ये न्यूज बेस्ड वाले हैं, और जनरली जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो डार्क कलर में है। तो आप चाहे तो ये वीडियोस देख सकते हैं। तो ये था मेरे यूट्यूब चैनल और वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है WIT, और जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके न्यूज पे। देखिये, न्यूज ये है, अडवाणी होटल्स सजेस्ट 20% आफ्टर आर के दमानी एंड फैमिली अप स्टेक इन द कंपनी। अभी देखिए, राकेश दमानी जी को कौन नहीं जानता, फेमस है, शेयर मार्केट से पैसा कमाया और अभी डीमार्ट उनका है, आप सभी को पता होगा, तो उससे भी काफी अच्छा पैसा कमा रहा है। तो उन्होंने ये जो होटल है इसमें अपना शेयर जो है इंक्रीज किया है, मतलब उसका हिस्सेदारी जो है बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं, राधेकृष्ण एस दमानी, श्री श्रीकांत देवी आर दमानी एंड मिस ड्राइव इन्वेस्टमेंट पार्टनर ऑफ राधाकृष्ण एस दमानी एंड गोपाल कृष्णन एस दमानी हैज एक्वायर्ड इतना शेयर्स ऑफ पॉइंट और 0.31% स्टेक इन अडवाणी होटल्स। तो मतलब 0.31 जो परसेंटेज है वो उन्होंने और बढ़ाया है ओपन मार्केट से। अभी इसके डिटेल में चलते हैं। देखिए, शेयर ऑफ अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट, सबसे पहले ये जो है एक होटल और रिसोर्ट वाली कंपनी है। इसका नीचे में डिटेल दिया है, उसका मैं नीचे में डिटेल बताऊंगा आपको, बट ये अभी ये जान लीजिए होटल रिजॉर्ट है, ठीक है। अभी ये 20% बढ़ा, आज BSE में है ये, राधेकृष्ण दमानी जी ने इसमें स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, और ये ओपन मार्केट से बढ़ा है, सबसे मेन चीज है, इस कारण से इतना ऊपर गया, ठीक है। अभी इसका और डिटेल देखेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वही डिटेल दिया हुआ है, दमानी जी और उनकी ये जो है श्रीकांत देवी दमानी जो है, और ये जो पार्टनर है ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें गोपाल कृष्ण दमानी और राधा कृष्ण दमानी जी हैं, उन्होंने ये स्टेक बढ़ाया है 0.31% से, यही चीज इसमें यहाँ पर दिया है। अभी देखिए, इन्होंने जो पहले शेयर जो है 15 फरवरी को भी बढ़ाया था, और उनकी जो स्टेक थी वो थी 4.86% और अभी बढ़ के हो गए 5.17, ठीक है। अभी और स्टेक बढ़ाया तो अभी और बढ़ गया इनका स्टेक, तो धीरे धीरे करके ये अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, दिसंबर 2021 में दमानी जी का, गोपाल कृष्ण दमानी जी हैं, उनका जो था 4.18% स्टेक था इसमें, इस होटल में। अभी देखिए, 9 फरवरी को डेल्टा कॉर्प ने अडवाणी होटल का जो शेयर उनके पास भी था, उन 90.39 के प्राइस पे इन्होंने ब्लॉक डील में इसको बेच दिया है, उन्होंने को डेल्टा कॉर्प ने बेचा है। और अभी जो है इन्होंने दमानी जी ने खरीदा है, ठीक है, तो और वो स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं और उनका ग्रुप भी है, वो स्टेक बढ़ाते जा रहा है। अभी देखिए, ये जो अडवाणी होटल है
ये जो है 5 स्टार डीलक्स होटल है, ये कहाँ पर है? कराबेला बीच रिजॉर्ट गोवा में है, 23 एकड़ का है वहां पर उनका ये है। और सेंस ऑफ वर्का बीच इन साउथ गोवा, तो ये होटल साउथ गोवा में है और वहाँ का ये शेयर है। ठीक है, तो ये मैंने जो जो डिटेल इसमें दिया है मैंने आपको डिटेल बता दिया। अभी चलते हैं इसके फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल में चलेंगे, रिवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे 2021 में 27 करोड़, उससे पहले 70 करोड़, उससे पहले 70 करोड़, उसके आसपास ही था। अभी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 2021 में देखिए -4 करोड़, उससे पहले 11 11 करोड़। अभी बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस देखिए 2021 में -0.88, उससे पहले 2.844। तो ये था इनका अर्निंग पर शेयर। अभी ये तीनों फाइनेंशियल देख लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर के पास 50.17 लगातार उतना ही है, कोई भी शेयर इनके प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी बात है। एफआई के पास कुछ भी नहीं है। डीआई के पास कितना है? 0.11% है। पब्लिक के पास कितना है? 49.71%। तो अच्छा है, काफी अच्छा होल्डिंग रखा हुआ है प्रमोटर ने और पब्लिक ने, दोनों के पास काफी अच्छा है। तो ये शेयर बढ़ा है तो उनको फायदा है, बट ठीक है। अभी देखते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लायक ये शेयर नहीं है, ये शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन है, ये कंपनी है, ये होटल और रिजॉर्ट में काम करती है। अभी तो पैंडेमिक कारण से बहुत बुरा हाल है, आप सभी को पता ही है, तो ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा करेगी पता नहीं, तो इतना विजिबिलिटी नहीं है, तो और पास्ट हिस्ट्री भी उतना अच्छा नहीं है इनका। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, यदि किसी को लगता है कि उसको करना चाहिए, उसका व्यू या एनालिसिस बोलता है, तो आप क्या करिए, छोटा अमाउंट या छोटा क्वांटिटी डालें, जिससे क्या है आपको रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बड़ा अमाउंट या ज्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं लेना चाहिए इसमें, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अभी ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात, अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अलग अलग लेवल्स काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस देखेंगे तो ये जो आज का जो कैंडल है, इसके नीचे यदि जाता है, मतलब 88 के यदि नीचे जाता है, तो आपको निकल जाना है, ये शेयर वीक हो जाएगा। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि राकेश दवानी जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, बट ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। जो लोग रुक सकते हैं वो कल का जो कैंडल है उसके नीचे 82 तक रुक सकते हैं, और जो लोग ज्यादा रुक नहीं सकते वो इस कैंडल का, जो आज का कैंडल है, यदि उसके नीचे जाता तो आप निकल सकते हैं, ये दोनों लेवल्स हैं। अभी बात करते हैं टारगेट की। तो सबसे पहला जो टारगेट है 107 का लगता है मुझे, उसके बाद 120, ये दो लेवल्स मुझे लगते हैं आने वाले दिनों में ये अचीव कर सकते हैं। तो ये थी ये वीडियो। अभी एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरी एनालिसिस थी, मेरी थिंकिंग थी, मेरी सोच थी, मेरा दिमाग था, मेरा रिसर्च था। अब खुद का रिसर्च करें, खुद का दिमाग लगाएं, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट लॉस आप ही को होगा, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो ये एक डिस्क्लेमर है। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में भी लिख सकते हैं राकेश दमानी जी ने लिया है शेयर, तो आपको क्या लगता है ये ऊपर जाएगा, मल्टीबैगर बनेगा, या जो भी लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे एक टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं फ्री के इंटर या फ्यूचर ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अपने यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जो भी कॉल दिए जाते हैं केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। इस तरीके से वीडियो मैं खत्म करता हूँ। यदि आप अडवानी होटल शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शेयर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।